नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स में। आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे तथ्य जो साबित करते हैं कि महाभारत काल्पनिक नहीं सत्य है। धर्म और आस्था एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां धर्म की बात होती है वहां आस्था खुद ब खुद आ जाती है। हिंदुओं के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत के साथ भी कुछ ऐसा ही है। श्री कृष्ण भगवान और गीता भी इसी से जुड़े हैं। गीता में लिखे शब्दों को हिंदू धर्म का मार्गदर्शक कहा जाता है और महाभारत को धर्म और अधर्म के बीच हुए सबसे बड़े युद्ध। उस वक्त के मिले कुछ प्रमाण यह साबित करते हैं कि श्री कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लिया था और महाभारत का युद्ध भी हुआ था। महाभारत को भारत का इतिहास कहा जाता है। इतिहास का मतलब होता है जो घटित हुआ हो। अगर ये कोई काल्पनिक घटना होती तो इसे लिखने वाले इसे महाकाव्य के बजाय कथा कहते, ना कि इसे घटित घटना कहा जाता। महाभारत कथा की शुरुआत राजा मनु से होती है और इस वंश के 50 से ज्यादा राजाओं के किस्से इसमें लिखे हैं। राजा पांडु और धृतराष्ट्र भी इसी वंश के वंशज हैं। अगर ये कोई काल्पनिक घटना होती तो इसके लेखक पूरे वंश के बारे में लिखने के बजाय सिर्फ 5 या 10 राजाओं के बारे में ही लिखते। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश महाभारत युद्ध के दौरान दिया था, जिसमें कलयुग यानी कि आज के वक्त की कहानी का सारा बखान है। आज जो घटित हो रहा है वो गीता में पहले से लिखा है। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं हो सकती। श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और महाभारत के अनुसार यह शहर जलमग्न हो गया था। पुरातत्व विभाग के अनुसार गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पूरा शहर मिला है जिसे महाभारत काल का ही बताया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी को एक संपन्न राज बताया जाता है। द्वारका के बारे में कहा जाता है कि वहां रहने वालों को छोड़कर समुद्र ने इस पूरे शहर को अपने अंदर समा लिया था। समुद्र में मिले अवशेष ये साबित करते हैं कि वो शहर ही कृष्ण का द्वारका है। महाभारत में भारत के 35 से ज्यादा शहरों के बारे में लिखा है जो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। पुरातत्व विभाग को इस बात के कई प्रमाण भी मिल चुके हैं। भारत और उसके आसपास के कई देशों का महाभारत में विवरण है। हस्तिनापुर आज उत्तर प्रदेश राज्य का मेरठ जिला है। वहीं गांधार आज अफगानिस्तान शहर का कांधार है। साथ ही साथ इंद्रप्रस्थ आज भारत की राजधानी दिल्ली है और श्री कृष्ण का द्वारका भी आज गुजरात राज्य का एक शहर है। रामायण और महाभारत दो अलग अलग वक्त में दो अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई हैं और दोनों ही किताबों में लिखी गई बातों में कई प्रमाण मिले हैं। अगर ये किताबें काल्पनिक होती तो इन दोनों किताबों में इतनी समानताएं मिलना नामुमकिन है। इतिहास के पन्ने में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भगवान श्री कृष्ण वंश के 138वें राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य के होने की सच्चाई को तो सब मानते हैं, तो ऐसे में श्री कृष्ण के होने का भी यह एक प्रमाण है। दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा और भरत के वंश का विवरण महाभारत में है। पांडु और धृतराष्ट्र इन्हीं के वंशज हैं। भारत देश का होना ही महाभारत का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह बोलना कि महाभारत कोई काल्पनिक घटना है बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसमें लिखी हर प्रथा सही है। यहाँ तक कि इसमें लिखे गणित के सिद्धांत भी काव्य के रूप में हैं, जो शत प्रतिशत सही हैं। पुराणों में मौर्य काल का विवरण है, साथ ही ग्रीस के इतिहास का भी विवरण पुराणों में लिखा है जो कि सच है। महाभारत के बारे में इन पुराणों में लिखा है जो इनके होने का प्रमाण देते हैं। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में कई शक्तिशाली हथियारों का प्रयोग हुआ था, जिसमें परमाणु बम भी थे। इन हथियारों में ब्रह्मांड की ताकत थी और धरती के खात्मे की क्षमता। पहले संस्कृत के विद्वान को यह बात समझ नहीं आई थी, लेकिन जापान पर हुए परमाणु हमले ने इस बात के भी राज खोल दिए। पहले परमाणु बम का इस्तेमाल करने वाले ओपेनहाइमर से जब एक छात्र ने पूछा कि आपको पहला परमाणु बम इस्तेमाल करके कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि आज के समय का पहला परमाणु बम इस्तेमाल करना अच्छा था। ओपेनहाइमर भी यह मानते थे कि महाभारत काल में भारत के पास यह शक्ति थी। महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र जरासंध थे, जिसका वध भीम के हाथों हुआ था। जरासंध मगध देश के राजा थे। पुरातत्व विभाग को बिहार के एक जिले में राजगीर में जरासंध का अखाड़ा मिला है, जहां भीम ने उसे मौत के घाट उतारा था। आज पर्यटकों के बीच यह आकर्षण का केंद्र है। कुंती के सबसे बड़े पुत्र कर्ण अंग देश के राजा थे, जिसे तोहफे के रूप में दुर्योधन ने कर्ण को दे दिया था। उस वक्त का अंध देश आज उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला है।
साथ ही जरासंध द्वारा भी कर्ण को तोहफे के रूप में अपने राज्य के कुछ हिस्सा देने की बात की गई थी, जो आज बिहार का मुंगेर और भागलपुर जिला है। पुरातत्व विभाग को कुरुक्षेत्र के पास महाभारत काल का एक बहुत बड़ा कंकाल मिला है, जिसे घटोत्कच का कंकाल भी कहा जाता है। घटोत्कच भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। महाभारत में घटोत्कच के आकार का वही विवरण है जिस आकार का पुरातत्व विभाग को कंकाल मिला है। साथ ही साथ महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। हरियाणा के इस जिले में वो मैदान आज भी है जहां ये युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि युद्ध में बहे खून की वजह से यहां की मिट्टी का रंग लाल हुआ था और आज भी वहां की मिट्टी का रंग लाल है। तो दोस्तों, आज के वीडियो और जानकारी में बस इतना ही। हम फिर से लेकर आएंगे आपके लिए ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल द मिस्टिकल लैंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।